हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेलिब्रेट कुकिंग। मैं हूं अश्मित और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं चार अलग तरीके के रायता की रेसिपी, जिन्हें बनाना बेहद आसान है, खाने में है डिलीशियस एंड सुपर हेल्दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन है, आप उसे ज़रूर क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को आप एंड तक देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में है आप में से किसी एक की दी हुई सीक्रेट किचन टिप। तो चलिए शुरू करती हूँ रायता की रेसिपी। सबसे पहले बनाएंगे फ्रूट एंड नट रायता। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। फ्रूट एंड नट रायता बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में डालें एक कटोरी भरकर दही। मैंने ये बाज़ार का दही लिया है, आप चाहें तो घर का बना दही भी ले सकते हैं। दही को हमेशा ऐसी छन्नी से छान कर डालें, इससे दही का एकदम क्रीमी टेक्स्चर आता है, एकदम बाजार के जैसे। और ये प्रोसेस दही फेंटने की प्रोसेस से काफ़ी आसान है। अब मैं डाल रही हूँ 1/3 कटोरी पानी का। पानी कम ही डालेंगे क्योंकि फ्रूट्स नमक डालने के बाद अपना पानी छोड़ते हैं और उससे दही काफ़ी पतला हो जाता है। दही रेडी करने के बाद डालें चॉप किया हुआ आधा सेब, आधा आम, आधी कटोरी अनार के दाने और थोड़ा ड्राई फ्रूट, जैसे 5 से 6 दाने किशमिश के चॉप किए हुए, 5 से 6 काजू चॉप करके और 2 से 3 अखरोट के दाने इस तरह चॉप करके। आप अपनी मर्जी के कोई भी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब सभी फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लें और फिर डालें 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें और फिर डालें 1 चम्मच शहद। अगर आपके पास शहद ना हो तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। और हमारा हेल्दी एंड सुपर टेस्टी फ्रूट एंड नट रायता बिल्कुल तैयार है। इस क्वांटिटी में रायता 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। अब बनाएंगे सबसे फेमस और सबका फेवरेट बूंदी रायता, और वो भी तड़का मार के। बूंदी का रायता बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 1 कटोरी भरकर दही और दही को छान कर डालेंगे, क्योंकि छानने से आएगा परफेक्ट क्रीमी टेक्स्चर। यहाँ मैं डाल रही हूँ आधी कटोरी पानी, क्योंकि बूंदी के रायते की कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली अच्छी लगती है। अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें और फिर डालेंगे आधी कटोरी बूंदी। बूंदी को आप पानी में भिगोकर भी डाल सकते हैं, लेकिन बिना भिगोए डालने से भी बूंदी 5 से 10 मिनट में सॉफ्ट हो जाती है। अब डालें 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब लगाएंगे बढ़िया सा तड़का। तड़का लगाने के लिए एक पैन को गर्म करें और उसमें डालें 1 चम्मच देसी घी। अपनी गैस फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। देसी घी जैसे ही गर्म हो जाए फिर डालेंगे 1/3 छोटा चम्मच जीरा, और जीरा जैसे ही क्रैकल करने लगे फिर डालेंगे 1 चुटकी हींग, और साथ में ही डाल देंगे 6 से 7 कड़ी पत्ता। और अपनी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अगर आप ऑफ नहीं करेंगे तो ये जल भी सकता है, बस एक बार चम्मच से चला लें और सीधा डाल देंगे हम अपने बूंदी के रायता में। आप ये तड़का ज़रूर लगाएं, आप खुद देखेंगे कि बूंदी के रायते का फ्लेवर और भी बढ़ जाता है और ये बहुत टेस्टी लगता है। ये क्वांटिटी 2 लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगी। अब बनाएंगे न्यूट्रिशियस एंड टेस्टी वेजिटेबल रायता। वेजिटेबल रायता बनाने के लिए बिल्कुल वैसे ही दही रेडी करेंगे जैसे पहले किया था। 1 कटोरी दही को छान कर तैयार कर लेंगे और यहाँ मैं पानी डालूंगी सिर्फ 1/3 कटोरी, क्योंकि नमक डालने के बाद सब्जियाँ भी अपना पानी छोड़ती हैं। दही रेडी करने के बाद हम डालेंगे अपनी मर्जी की कुछ चॉप की हुई सब्जियाँ, जैसे आधा खीरा, आधा टमाटर बीज निकाल कर, आधा प्याज, आधी हरी मिर्च, और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये मिर्च अवॉइड भी कर सकते हैं। फिर डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक, नमक और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर डालेंगे 1 चम्मच धनिया पुदीना की चटनी। ये चटनी डालने से वेजिटेबल रायता का फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। धनिया पुदीना की चटनी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। हमारा वेजिटेबल रायता बिल्कुल रेडी है और ये 2 लोगों के लिए सफिशियंट है। अब बनाएंगे टेस्ट और हेल्थ से भरपूर लौकी का रायता तड़का मार के। लौकी का रायता बनाने के लिए सबसे पहले आधा घिया लें, जिसे लौकी भी कहते हैं, और इसे कद्दूकस करके तैयार कर लें। अब इस कद्दूकस किए हुए घिये को आप एक पैन में ट्रांसफ़र कर लें और इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और 1 छोटा चम्मच नमक का। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे उबालेंगे सिर्फ 1 उबाल आने तक।
यहाँ मेरी गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई है। अब आप देख सकते हैं कि एक उबाल आ चुका है। बस अब अपनी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस कद्दूकस किए हुए घिया को हम छान लेंगे। लौकी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम रायते के लिए दही तैयार करते हैं। बिल्कुल वैसे ही तैयार करेंगे जैसे पहले तैयार किया था। एक कटोरी दही को हम छान लेंगे। इससे हमारे दही का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अब डालेंगे 1/3 कटोरी पानी की, क्योंकि लौकी अपना पानी छोड़ सकती है नमक डालने के बाद। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा दही बिल्कुल तैयार है। अब डाल देंगे जो लौकी हमने उबाल कर तैयार की थी। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फिर डालेंगे 1/4 चम्मच नमक, काला नमक, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आधी हरी मिर्च बारीक कटी हुई और थोड़ा सा फ्रेश धनिया बारीक कटा हुआ। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस लौकी के रायतों को लगाएंगे एक बढ़िया अजवाइन और जीरे का तड़का। तड़का लगाने के लिए एक पैन गरम कर लें और उसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। यहाँ मेरी गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है। फिर डालेंगे 1/3 छोटा चम्मच जीरा और 1/3 छोटा चम्मच अजवाइन का और 1 पिंच हींग। जैसे ही जीरा और अजवाइन क्रैकल करेंगे, आप अपनी गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और बस चम्मच से हल्का सा इस तरह चला लें और सीधा इस तड़के को डाल देंगे लौकी के रायते में। हमेशा सर्व करने से पहले ही तड़का लगाएं, क्योंकि फ्रेश तड़का लगाने से रायता का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। ये जीरा और अजवाइन का तड़का लौकी के रायते के फ्लेवर को डबल फ्लेवरफुल कर देता है। लौकी का रायता बिल्कुल तैयार है और ये 2 लोगों के लिए सफिशियंट है। अब बारी आती है सीक्रेट किचन एंड हेल्थ टिप की। आज की टिप दी है प्रमोद कुमार शर्मा ने, जो है पानीपत हरियाणा से। उनका कहना है कि अगर उबले हुए आलू के छिलकों को जल्दी निकालना है और बिना हाथ जलाए, तो उबले हुए आलूओं को कुकर से निकालकर सीधा ठंडे पानी में डाल दें और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए रखें। ऐसा करने से आलू बहुत जल्दी ठंडे हो जाएंगे और इनका छिलका भी बहुत जल्दी निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कि इनका छिलका कितनी जल्दी निकल गया और हाथ भी नहीं जलेंगे। आई एम श्योर आपको ये टिप ज़रूर काम आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों के पास भी है कोई सीक्रेट किचन और हेल्थ रिलेटेड टिप, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अपनी आने वाली वीडियो में शेयर करूंगी आपके नाम के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।